आज एक साउथ पार्टियो क्लब नाम से एक जगह है सेक्टर 50 गुड़गांव में, और हीन हमारी कंपनी की आज इस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट हो रहा है। तो आज को दिन है ये सैन ईडोम इस्टेब्लिशमेंट डे के नाम से मनावा है। यह दिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ईडोम कंसल्टिंग कंपनी के और इंजीनियरिंग कंपनी के जो ऑफिसेज हैं, चाहे वो रीजनल क्वार्टर ऑफिस हो चाहे ग्लोबल हेडक्वार्टर हो, जो जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे ये आज का दिन छुट्टी है और हर जगह पार्टी है। जैसे लग्जमबर्ग में है एक, और बिलबाओ स्पेन में है, इटली फ्रांस, हर जगह जहाँ जहाँ भी इनके ऑफिस हैं हर जगह आज पार्टी हो रही है और सेलिब्रेशन चल रहा है। तो वैसे ही वही सेलिब्रेट कर लूँ, हमारे दिल्ली ऑफिस की भी आज पूरी सारी की सारी जो टीम है यहाँ आए हैं सारे डिपार्टमेंट के, और कुछ एक प्रोग्राम तो हो भी गए हैं, बाकी कुछ टीम बिल्डिंग स्पोर्ट्स इवेंट और ये सारी चीज़ें जो होनी है अभी वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो यहाँ पे एंट्री गेट है और इधर वाला एग्जिट गेट है, यहाँ से मेन इसकी एंट्री है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ हमारी पूरे ऑफिस के लोग भरे बैठे, तो अब वो दूसरे इवेंट की वजह से चले गए। यहाँ पे हमने रिफ्रेशमेंट स्नैक्स लिए, ये हमारे फोटोग्राफर फोटो खींचने में पीछे रह गए सबकी खाने पीने की वजह। इधर सारे खाने पीने के सौदा रखे भाई, यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, और उसके बाद यहाँ पे ऑडिटोरियम में हुए हमारो प्रोग्राम, यहाँ फोटो वोटो खींचे जिनके इधर में। पूरे हो गए वो आज यहाँ फैसिलिटेट करे गए, उन्हें कुछ अवार्ड और सब दिए गए हैं। उसके बाद में अब हम चल रहे हैं दूसरे हिस्से में जहाँ पे बाकी लोग पार्टी कर रहे हैं। हेलो सर, यस सर, ये यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, तो यहाँ से ये मेन इवेंट स्पोर्ट की तरफ हम जा रहे हैं, पूल वगैरह ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। ये अलग है, ये पहर पहर के कच्छा ने पकड़ रहा मच्छा, कूदे पड़े थोड़ा पैसा वसूल कर रहे हैं लोग। इधर शाम को जाम छलकाए जाएंगे, ये सारा इंतजाम है, और इधर लाइटिंग वाइटिंग का पूरा इंतजाम है भाई। यहाँ कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहे, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, और पीछे नेट बन रहा है वहाँ पे, क्रिकेट खेलने की भी थोड़ी सी जगह है, और इधर रोटी रोटी बनाने उनको कुछ है, मतलब कुकिंग को अलग ही है इनको डिपार्टमेंट। उधर पीछे हमारी ग्रुप फोटो हुई है, अभी यहाँ डीजे वाले डीजे सजा रहे हैं, तो देर रात होने होने तक नाचने गाने पीने को प्रोग्राम भी चलेगा। गुड़गांव सेक्टर 50 में क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो है यहाँ पे है कि NCR रीजन में ये बढ़िया पार्टी स्पॉट है,
चलिए आप भी नहीं लेकर आए कॉस्ट्यूम कुछ? कॉस्ट्यूम बस अपना पर्सनल है। हमारे वडीन की तरफ से पैसा वसूली की ताबड़तोड़ कोशिश चल रही है, कूदे पड़े हैं भैया हम पूरे तन मन धन लगा के। धन तो खैर स्पेन वाले इनको खर्च हो रहा है, इनने तो मन लगा के बस वसूल करना है। सौभाग्य ये ले, ये छोरा पैसा वसूल कर रहे हैं पूरा है, छुट्टी प्लस में फ्री में फुल एंजॉय। अफजल इधर इधर सारा प्रोग्राम लगभग सेट हो लियो है, डीजे वालों वो बुला रहे हैं, लेकिन ये बिना पी नाचेंगे कैसे? डूबने लायक पानी है क्या? डूबने लायक मतलब डूब सकते हैं क्या? मेहमान नवाजी में क्या क्या है भाई? ये इनके तो कुछ अलग नाम है। ओ गुड बॉय जरूर। और इसका क्या नाम है? ये तो एक ही है गुड बॉय जरूर। ये बियर है या वाइन है क्या है? जो पहले बोला था वही है। तो शाम का पूरा इंतजाम है, ताबड़तोड़ लोग नाचेंगे फ्लोर पे। पीछे पीछे के अगर बात करें तो भाई इधर में हैं सारे आउटडोर स्पोर्ट्स, मतलब इंडोर ही हैं, आउटडोर तो ना है, लेकिन स्पोर्ट्स खेलने और पसंद करने वाले जो लोग हैं ये इनके लिए पीछे इंतजाम है। बहुत ही बढ़िया काई ने सोच समझ के धंधो बनाया वाला कनलू जो फैल होने वाला ना है, क्योंकि कॉरपोरेट वाले ने काम करते करते मोटी कमाई हो तो कीड़ा रहे उनमें कुछ खर्चो पानी करा फिर वो, लेकिन उन पे जगह ना रहे जावा कहाँ। तो ऐसे में नज़दीक में ही कोई जगह ढूंढी जावा है, NCR में, दिल्ली, गुड़गांव में, नोएडा में। तो ज़्यादातर ऐसे जो टाइप के पार्टी प्लेसेस हैं वो गुड़गांव में ही हैं, गुड़गांव के खासकर जो ये 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया हैं इनमें। तो भैया मैंने तो ना कहूँ सरकारी नौकरी कुछ भी ना है, है जिन तो बहुत कुछ है, लेकिन जब एक दो साल की तैयारी के बाद ना मिले तो फिर मेरे हिसाब से आकर ना मिलना बात बराबर है। तो बेहतर है अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट तो कुछ भी पढ़े हो तो या से पहले कि दुनिया आप नाकाम नकारा और बेकार और गंवारन में गिने, वहाँ से पहले अपनों कोई बेहतर तरीके को स्किल पे काम करो और कॉरपोरेट सेक्टर में घुस जाओ। मेहनत थोड़ी है, डेडिकेशन है, टाइम मांगे है, लेकिन बदले में जो पैसा दे रहे हैं वो सरकारी नौकरी से कहीं बहुत ज़्यादा है और बेहतर ज़िंदगी है। फिलहाल मेरे लगभग 2-4 दोस्त हैं जो गवर्नमेंट जॉब पा गए, मैं रह गए उनमें से, उनकी एक महीने की तनख्वाह और लेकिन या मैं कोई मतलब ऐसा ना कि मैं उन्हें अपने से कम तरह कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक इनकम डिस्पैरिटी बता रहा हूँ। मेरी एक महीने की तनख्वाह और उनकी लगभग 3.5 या 4 महीना, कुछ की तो 4 महीने की तनख्वाह और मेरी एक महीने की तनख्वाह बराबर है। फ़र्क इतना हो कि वो गवर्नमेंट नौकरी में है, मेरी प्राइवेट है। गवर्नमेंट भी उनकी ऐसी ना है, भैया उनको तो पेंशन मिलेगी कुछ और आफ्टर रिटायरमेंट को बेनिफिट मिलेगा जैसे। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश ही आज के या इवेंट के बारे में कुछ छोटी सी थोड़ी सी जानकारी देने की, ठीक है भाई? अभी कच्छा तो मुँह पर भी है वो, लेकिन मैं नहाने तैरने वाले इनमें सुना हूँ, मुँह घर लू भी जल्दी जानो है। तो ये जो डीजे वीजे बजेंगे और बाकी जो भी काम होंगे, मैं डिनर तक यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे जल्दी जाना है भाई। तो छोटा सा ब्लॉग है बस इतना ही, अगली बार फिर कभी बाहर आए घूमने फिरने को कोई दूसरा मौका लगो फिर कोई दूसरी चीज़ दिखाएंगे, ठीक है?